Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, eighth class. How are you all? I hope you all are healthy and safe at your home and doing your work very well. Eighth class, open your book. We are reading chapter number 1, Tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ka tahammul ya burdabari. Eighth class, today we will learn paragraph number 5. First of all, we will see difficult words and their meaning. First word is deterioration. Deterioration mean tod phod ya inhitat, conflict, jhagde, prevailing, chai huwe ya aam, lack, kami, meanens, kharabi, cured, ilaj. Iski translation isko read out karte hain. We as Muslim should follow, hame musliman hone ke nate chahiye follow, pairvi karna the noble examples, nek misalon ki of the tolerance, burdbari ki. Hame burdbari ki, nek misalon ki pairvi karni chahiye of our Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki. Hame ek musliman hone ke nate, hamare Rasul sallallahu alaihi wasallam ki, tahammul ya burdbari ki, nek misalon ki pairvi karni chahiye. दोबारा से इसी सेंटेंस को देखें. हमें एक मुसलमान होने के नाते हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहम्मुल की नोबल मुअज्जज मिसालों की पैरवी करनी चाहिए. द डिटेरियरेशन एंड कन्फ्लिक्ट तोड़ फोड़ और झगड़े prevailing in the society aam hai is due to the lack of tolerance बुर्दबारी की कमी की वजह से. क्या होगा के डिटेरियरेशन तोड़ फोड़ या इन्हितात. इन्हितात या तोड़ फोड़, इन दोनों में से आप एक वर्ड यूज़ कर देंगे. इन्हितात का मतलब भी यही होता है, तोड़ फोड़. तोड़ फोड़ और झगड़े जो कि माशरे में तहमुल की कमी की वजह से फैले हुए हैं. दिस मीनस कैन ओनली बी क्योर्ड. दिस मीनस ये खराबी कैन ओनली बी क्योर्ड, सिर्फ इलाज किया जा सकता है. इस खराबी का इलाज किया जा सकता है बाई फॉलोइंग पैरवी करके द नोबल एग्जाम्पल्स मुअज्जज़ मिसालों की सेट बाई आवर बिलव्ड रसूल जो कि हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की. क्या है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा नेक मिसालों या मुअज्जज मिसालों की पैरवी करके ही इस खराबी का इलाज किया जा सकता है. एट्थ क्लास, अब इसकी ग्लॉसरी देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्डशिप. हार्डशिप मीन डिफ़िकल्ट. आप इसको समथिंग दैट काज सफरिंग भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे डिफ़िकल्ट भी आप राइट कर सकते हैं. हार्डशिप का मायने होता है तक सख्तियों मुश्किलात, और डिफ़िकल्ट मीन भी मुश्किल ही होता है. डिस्प्ले, इसका आप पढ़ेंगे समथिंग शोन टू टू द पीपल या आप एग्जिबिट कर लेंगे. दोबारा देखें, डिस्प्ले एग्जिबिट. ट्रबल पेन और डिफ़िकल्टी. ट्रबल पेन या डिफ़िकल्टी. डिस्ट्रॉय डैमेज या irreparable या damage. Destroy, damage. Recognize, acknowledge. Patience, the ability to bear. बस इसका इतना ही करेंगे आप. Patience, the ability to bear. Forbidden, prohibited. जी, एट्थ क्लास, आपने पैराग्राफ नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन और साथ में ग्लॉसरी के जो हमने हाफ वर्ड्स याद किए हैं आज, वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, उसकी रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस भी करनी है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.